हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो गाइस ये देख लीजिए रास्ता। तो आज हम संडे की राइड पे आए हैं गुड़गांव में, जो कि फरीदाबाद गुड़गांव हाईवे पे हमारी एक ऑफ रोड एकेडमी है, जहाँ पे ऑफ रोडिंग की स्किल सिखाई जाती है। अंश एडवेंचर मोटर स्पोर्ट्स, ये है अंश एडवेंचर मोटर स्पोर्ट्स। और इससे पहले भी मैंने जब डोमिनार अमर भाई ने ऑर्गेनाइज़ की थी ये एकेडमी का स्किल्स, तो मैंने अटेंड की थी, तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आया था। काफ़ी हर्डल सामने किए थे ऑफ रोडिंग के। और आज मैं KTM की तरफ से आया हूँ, तो KTM एडवेंचर बाइक के हर्डल्स के बारे में बताएंगे जाएंगे। अंश, वेलकम टू ओराज। तो ये है एकेडमी, ये देखिए सारे, ये ऊपर नीचे सारे बना रखे हैं हर्डल्स। तो ये KTM का आ गया है बैनर। ऑफ रोड एडवेंचर जोन, तो आज आपको दिखाएंगे ऑफ रोडिंग बाइक से। तो गाइस अभी मैं हूँ ऑफ रोड एडवेंचर जोन गुड़गांव में, जो कि है गुड़गांव फरीदाबाद हाईवे पे। और ये थ्रोटल शरोटल से नेक्स्ट है कि आज हमारी ऑफ रोडिंग की स्किल्स की टेस्टिंग होगी और सिखाया जाएगा कि आप KTM एडवेंचर के साथ कैसे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं और भी बढ़िया तरीके से। और ये जो रूम देख रहे हैं, यहाँ पे सेशन लिया जाएगा और इसके साथ ब्रेकफास्ट और लंच यहीं पे आज हमारा होने वाला है, क्योंकि 12 एक या दो बज जाएगा हमें ज़्यादा ख़त्म एकेडमी को पूरा अटेंड करते हुए और ख़त्म पूरा सेशन को ख़त्म होते होते। तो आज का यही प्लान है। और इस समय धुंध छाई हुई है, मौसम भी ठंडा है। और ये सारे हमारे भाई लोग आ गए हैं और ये सारी बाइक्स खड़ी हैं KTM की एडवेंचर, KTM एडवेंचर 390। सारी मोस्टली 10-12 बाइक आ चुकी हैं। टोटल आई थिंक 20 स्लॉट होते हैं इस एकेडमी में। ब्रॉन्ज लेवल का आज हमारा जो टेस्टिंग होनी है अटेंड करते हैं और आपको भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे ऑफ रोडिंग है, कैसे कैसे हर्डल हैं। मज़ा आएगा आज के सेशन में। आपका जैसे MTC ऑफ कर लेंगे, EBS ऑफ कर लेना है, ऑफ रोड मोड में चले जाना है। बिकॉज क्या है कि द टेक्नोलॉजी दैट दिस बाइक हैज, इट विल नॉट अलाउ योर रियर व्हील टू स्पिन अनलेस यू गो इनटू ऑफ रोड मोड। द बिगेस्ट थिंग दैट ऑफ रोड हेल्प्स अस इज आई विल गेट यूज्ड टू द बाइक स्लाइडिंग अंडर मी। तो जो हम लोग कहते हैं ना, वॉश आउट हो गया, फ्रंट वॉश आउट हो गया, रियर वॉश आउट हो गया, वी नीड टू गेट यूज्ड टू दैट। द मोर वी यूज्ड टू इट, द मोर कंट्रोल भी है। अगर यहाँ कंट्रोल कर लिया, चांसेस आर अगर रोड पे या कहीं टूर करते होगा, यू विल नॉट फील एकदम से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, जिटरी हो जाएगा एकदम, वो नहीं होगा। सो ट्राई डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हेन यू आर देयर टुडे। अगेन कमिंग टू एनी क्वेश्चंस, प्लीज कीप टॉकिंग। अभी हमारा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो गया है और काफ़ी कुछ हमें बताया गया है बाइक के बारे में, राइडिंग स्टाइल के बारे में, किस कैसी ग्रिप होनी चाहिए, कैसे लगेज होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ये सब बताया गया। ये सब बाइकर्स हमारे ये मैं एकदम न्यूट्रल में चला गया। सो अगेन आई वांट यू टू बी एक्टिव एंड नॉट लाइक दिस। सो
एल्बोज अप, टोज हम बाइक के पास रखेंगे ताकि वी कैन ग्रैब द टैंक। ओके, बाइक बंद कर लो यार। 95% ऑफ यू वर राइडिंग विद योर, अगर ये मेरा फुट पैग है तो पैर पूरा ऊपर ऐसे, मुझे पैर पीछे चाहिए प्लीज। यू हैव टू कम ऑन द बॉल ऑफ योर फुट। आपका पैर ऐसे था तो तभी आपको गियर डालने में परेशानी हो रही है, क्योंकि जब आपका पैर यूं है तो इनिशियल मूवमेंट आपकी पैर बाहर ही जाएगा। अगर मेरा सीधा होगा तो सीधा जाएगा। सो अगेन, मसल मेमोरी की बात है और कुछ भी नहीं है। बॉल्स पे रखना है, होगा ना, क्योंकि करा नहीं हमने कभी। तो गाइस, अब हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू हो रहा है। पहला सेशन तो ब्रेकिंग का था, ऑफ रोडिंग का। तो ये हमारी सारी बाइक्स खड़ी हैं। सो द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ड्रिल इज कि फटीक ना हो, यू आर एबल टू राइड लॉन्गर, यू आर एबल टू राइड इट इन द राइट वे, ठीक है, मशीन को सही से हैंडल कर पाओ। सो नाउ द पर्टिकुलर ड्रिल दैट वी विल बी डूइंग नाउ वुड बी, आप आ जाओ, सभी आ जाओ, बाइकों को छोड़ दो। थिंग इज एट टाइम्स वी आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट एवरी पॉसिबल सिचुएशन व्हाट यू कैन एज एन फेस इन द रियर रियल वर्ल्ड एज एन वीकेंड से, ठीक है। इनक्लाइन होता है, बाइक रुक गई, सो सबसे पहली चीज़ क्या करते हो? ब्रेक। गियर में बाइक होती है, बाइक को गियर बढ़ा देना चाहिए। बाइक तो गियर में ही होगी वैसे इनिशियली जब रुकेगी। सो द थिंग इज आई टेल यू हाउ टू हैंडल इट ऑन द इनक्लाइंस, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही बाइक्स में, यही गाड़ियों में, ये सब कुछ होता है कि द ओनली फेयर इज रोल बैक, दैट इज़ द फियर। और वो कब होता है? वेन यू आर री लॉन्चिंग इट, नॉट वेन इट स्टॉल्स, ठीक है। फ्रंट ब्रेक दबाओगे तब पीछे जाएगी, क्लच दबा तो पीछे जाएगी, और फर्स्ट रिफ्लेक्स क्या होता है? क्लच एंड ब्रेक को, ठीक है, यहाँ पे क्लच को नहीं छूना, फ्रंट ब्रेक को नहीं छूना, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी बोथ योर हैंड्स अप, आई जस्ट शो यू। यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि इंक्लाइन पे, चढ़ाई पे अगर बाइक या गाड़ी आपकी रुक जाए तो क्या करना है, क्योंकि पीछे जाएगी, बैक करेगी, तो फ्रंट ब्रेक नहीं मारनी है और क्लच नहीं दबाना है। छोटी छोटी स्किल्स पता होनी चाहिए, काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अगर इंक्लाइन पे बाइक खड़ी हो जाए तो आप छोड़ दें, कुछ पंगा ना लें बाइक के साथ, ना क्लच दबाएं, क्लच दबाते ही बाइक पीछे जाएगी। अवॉइड व्हील स्पिन, बिल्कुल धीरे से रिलीज, एक्सेलरेट, ठीक है। तो इंक्लाइन पे इस तरह हमने बाइक को बंद करना, उसके बाद बिना पीछे, ये देख भाई पीछे, ब्रेक मत छोड़ो भाई, ब्रेक धीरे धीरे छोड़ के क्लच दबाओ। ये भाई पहले भी गिर गया था, ब्रेक फिर छोड़ रहे हो, ब्रेक रेस 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 दो, रेस दो, डर रहा है भाई। नाउ वी विल डू द ऑब्स्टिकल कोर्स। तो आप ये देखोगे पूरे पे ना ट्रैक बना हुआ है, ओके, चूना जहाँ लगा हमने इसके बीच बीच में ही रहना है। द ट्रिक टू क्लियर दीज इज अगेन जो हमने अंदर बात करी थी, लुक अहेड। अगर आप इसको नीचे देखोगे तो यहीं पे पहले में ही नीचे उतर जाओगे। सो लुक एट द एंड ऑफ द बीम, इट विल बी ईजियर इफ यू आर सैडलिंग एंड राइडिंग, यू विल बी एबल टू कंट्रोल द बाइक बेटर। अगर हिलती है नीचे इधर उधर होती है, यू बी एबल टू, सो यू आर मेंटेनिंग योर बैलेंस एंड यू आर गोइंग ओवर इट। उसके बाद जो रॉक्स का सेक्शन है, अगेन द सेम थिंग, अगर बैठे हुए हो तो झटके ज़्यादा लगेंगे, खड़े हुए हो तो आराम से निकल जाएगी। आगे चल के देर आर लॉग्स, तो हमने क्या किया है, लॉग्स को थोड़ा ज़मीन के अंदर डाल दिया है, तो जैसे वो गंदे वाले स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, वो वाली फील आएगी। नाउ अगेन, अगर मैं बैठ के चला रहा हूँ तो झटके लगते रहेंगे, इफ़ आई एम स्टैंडिंग और मैं बाइक को अपने नीचे हिलने दे रहा हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाइक आराम से चलती जाएगी। Then be careful on the turn.
वहाँ पे बजरी पड़ी हुई है, जो पत्थर होते हैं छोटे वाले, वहाँ मैं सेइंग बीइंग केयरफुल बिकॉज वो टर्न पे है और उसके साथ ही एक हम्प बना हुआ है ऑन द आउटसाइड, जहाँ पे जब आप एग्जिट करने लगोगे ना, एक छोटा सा हम्प है. सो जस्ट बी केयरफुल एंड टेक दैट. ओके, ये नया ऑब्स्टिकल है, हाइट पे जाना है और उसके बाद टर्न है, तो इस पे तेज भी नहीं जा सकते और आगे जाके टर्न करना है, आराम से जाना पड़ेगा. तो गाइस ये स्लो बाइक रेस का है. थोड़ा सा छोटा सा कंपटीशन किया जा रहा है, ये थर्ड राउंड है. दो राउंड हो चुके हैं जिसमें एक राउंड मैं जीता हूँ, एक राउंड ये भाई जीते हैं और ये है थर्ड राउंड. स्लो बाइक में अपना बाइक को मेंटेन रखो और मोस्टली लोग ज़्यादा स्लो के चक्कर में पैर नीचे लगा ही देते हैं. आप अपने बाइक का मेंटेन रखो, आप जीत जाओगे. चाहे आप आगे भी होगे तब भी जीत जाओगे, क्योंकि पीछे वाले पैर रख ही देंगे नीचे. अब ये देखिए आगे वाला यूपी वाला भाई, पीछे वाले पहले पैर रखेंगे, जो ज़्यादा स्लो हो जाएगा वो पैर रख देगा. यूपी वाला भाई फर्स्ट 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 फर्स्ट. लोग हम जीते हैं तो इनका फाइनल तो ये कीचड़ का एक ट्रैक बनाया है मड स्लैश का और इसके अंदर से बाइक निकालनी है. देखते हैं अब ये भाई लोग जा रहे हैं. भैया मैं तो नहीं जाऊंगा, पूरे कपड़े ड्राई क्लीन हो जाएंगे, बाइक भी ड्राई क्लीन हो जाएगी हमारी, बाइक को देख के खुश हो जाएंगे. I don't love my bike.
वहाँ पूरा ड्राई क्लीन हो गया भाई। हल्की बाइक हो ना, लाइट वेट बाइक हो, वो आराम से निकलती है। ये भी निकल जाएगी सर, 200 किलो की बाइक है। निकल जाएगी ना? नहीं निकलेगी, देख लेना। ये दलदल बन गया नीचे, आप इस वाली साइड से जाओ ना। ये दलदल बन गया यहाँ पे। इसमें से तो कोई भी बाइक है क्रॉस नहीं कर पाई, बीच में ही फंस गई क्योंकि ज़्यादा मड, बिल्कुल कीचड़ है, एक तरह का अपना दलदल बना हुआ है, और दलदल के अंदर से इतनी हैवी बाइक चलाना नॉट पॉसिबल। तो ये जिग जैग वाला हर्डल करते हैं। तो गाइस 12 बज चुके हैं और एकेडमी हमारी मोस्टली कंप्लीट हो गई है, जितने हर्डल्स थे हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। एक अब लास्ट सेशन होगा सर्टिफिकेशन का, और साथ में अभी लंच है, तो चलते हैं। लंच रेडी है हमारा, तो ये लंच है रायता, चावल, दाल, सब्जी, रोटी। तो करते हैं लंच। तो हमारा सर्टिफिकेशन हो गया है ब्रॉन्ज एकेडमी का, और ये सबसे स्टार्टिंग जो एकेडमी है बिगनर्स के लिए ब्रॉन्ज एकेडमी है। उसके बाद होती है सिल्वर, फिर होती है गोल्ड। जो ब्रॉन्ज एकेडमी है वो हाफ डे के लिए है, सिल्वर फुल डे के लिए। अब गोल्ड का पता नहीं भाई, अभी लगभग एक बज चुका है, जिसमें हमने लंच भी किया, ब्रेकफास्ट भी किया और बहुत सारी ड्रिल्स किए हमने। उसके बाद काफ़ी कुछ हमें ज्ञान की प्राप्ति की गई, काफ़ी ज्ञान दिया गया हमें। हम आ गए हैं, ये है फरीदाबाद गुड़गांव हाईवे।